नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाली आलू गोभी की सब्जी। दावतों में जैसी बनती है वैसे ही टेस्टी और मसालेदार सब्जी, पर बिना प्याज और लहसुन के। रेसिपी से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको पता है तेज पत्ता कीड़ों को भगाने में कैसे लाभदायक है? इस सवाल का जवाब देखेंगे रेसिपी के बाद। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मसाले लिए है 10-12 काली मिर्च, थोड़ी सी जावित्री, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और चक्रफूल। तेज पत्ते को छोड़ के बाकी सब मसालों की पाउडर बना ली है। अभी सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल गर्म होते ही इसमें चुटकी भर हींग डालेंगे, उसके साथ ही कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच अदरक की पेस्ट डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च को तेल में थोड़ा सा भून लेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अभी मैंने इसमें 2 टमाटर की प्यूरी डाली है, इस प्यूरी को भी तेल में थोड़ा सा भून लेंगे। पर अगर आपको टमाटर का कच्चा स्वाद पसंद है सब्जी में तो इस प्यूरी को भूनने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो फ्रेश मसाले कूट के तैयार किए थे वो भी इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो ये मसाला ज़्यादा मात्रा में बना के रख सकते हैं और किसी भी सब्जी में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें 2 तेज पत्ते डालेंगे, इसके साथ ही बाकी मसाले भी डाल देते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच गरम मसाला। इन सभी मसालों को टमाटर के साथ ही भून लेंगे। करीबन 2-3 मिनट तक भूनना है। ऐसा करने से मसालों का स्वाद उभर के आता है। मसाले भूनने के बाद उसमें मैंने 3 मीडियम साइज के आलू मोटे मोटे काट कर डाले हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसे ढक्कन रख के 5 मिनट तक पकने देंगे। पकने के लिए कितना समय लगेगा ये आलू पे भी डिपेंड करता है। आलू को आधा पकाने के बाद हम इसमें फूलगोभी डालेंगे। बीच बीच में ढक्कन निकाल के करछी से थोड़ा सा स्टर कर लेंगे ताकि सब्जी नीचे से जले नहीं। अभी 5 मिनट हो चुके हैं, आलू आधे पक गए हैं। अभी इसमें हम फूलगोभी डालेंगे। फूलगोभी को मैंने अच्छे से धो के गर्म पानी में 4-5 मिनट उबाल लिया था। इसके साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को हाथ में ऐसे थोड़ा सा रब करके डालेंगे, इससे उसका स्वाद और महक और भी उबर के आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स करके इसमें करीबन 1/2 कप पानी डाल के ढक्कन रख के इसे 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी एकदम टेस्टी और मसालेदार सब्जियां देखना चाहते हैं तो इस सजेशन पे क्लिक कीजिए। 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार देख लेते हैं सब्जी अच्छे से पकी है या नहीं। ये अच्छे से पक गई है। अभी इसको हरा धनिया डाल के गार्निश करेंगे। आलू गोभी की सब्जी तो आपने यकीनन कई बार बनाई होगी, एक बार इस तरह से भी बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। वीडियो की शुरुआत में जो तेज पत्ते से संबंधित प्रश्न पूछा था उसका उत्तर है कि तेज पत्ते की पाउडर घर के कोनों में डालने से मक्खी, चींटी, कॉकरोच जैसे कीड़े घर में नहीं आते, वो निकल जाते हैं। और तेज पत्ते पलंग पे गद्दों के बीच में रखने से पिस्सू नहीं आते। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। साथ में ही थोड़ा सा समय निकाल के कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।